मार दिया था लोन आए कहाँ भेज रहे कहाँ है चीका चीका कौन सी फर्म का है क्या नाम है उसका हाँ चीके वाले को जो अड़ती है मिल में कौन सी मिल है अर्जुन अर्जुन दास राइस मिल उसका माल है हेलो माल हमारा अच्छा वहाँ बेच रहे हो बाहर ले लेके अच्छा अपना क्या रेट बेच रहे हो क्या रेट बेच रहे हो वहाँ जाती तो पता लगा अच्छा पहले बेचा माल वहाँ पहली बार आए पिछले साल अच्छा आप क्या काम करते हो ये क्या था आपने व्यापार ही करते ना खेत का खेत का माल खेत का तो नहीं आप व्यापार ही नहीं किसान तो ही सारे कह रहे तीन दिन हो गए अब किसान होता तो हमारे तो संपर्क में होता क्या कहा जो क्या क्या प्रूफ है मुझे बटाईदार नहीं क्या प्रूफ है क्या प्रूफ आपके पास किसान का माल है ये जमीन के कागज हैं है? जमीन के कागज हैं अच्छा आपने पंजीकरण करवा रखा है यहाँ पंजीकरण करवाया है एटीएम से क्या कहा जो वो कागज होते हैं जिम्मेदार की वो है अच्छा क्या नाम अपना कल्लू है कल्लू कल्लू कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो जिला बरेली जिला बरेली तहसील मीरगंज तो ये तो माल ही अपना सीधी सी है भी आपने करवाया तो होगा चीका लेके जान लग रहे आप तो आप अपना प्रो कह रहे अभी किसान है आपने यहाँ किसी किसान यूनियन के या किसी से पता करे हमारे से कोई संपर्क कराया था किसान होते तो आप नहीं किसान हो किसान की मदद तो लोगे वही कह रहे हैं तीन दिन हो गए अब पीछे एक किसान था वो फंस गया यहाँ पर वो हमारे से पहले उसने सबसे पहले किसान यूनियन से संपर्क कराया कि मैं ऐसे ऐसे अपना वहाँ से सामान लेकर रहता अपना और मेरा ये व्यापार का काम नहीं है तो हमने उसकी मदद भी की थी लेकिन आपको आज तीन दिन हो गए गाड़ी पकड़ी हुई है आपने अगर किसान यूनियन के आदमी होते किसान होते तो आप संपर्क करते हमारे से ये व्यापारी का माल है नहीं बाबूजी व्यापार करते हो आप वहाँ से 1100 रुपए किसान को से देते हो 1000 रुपए में और यहाँ ला के आप मिली भगत करते 1900-2000 में बेच रहे सीधी सी बात है ये तो नहीं बाबू नहीं क्या हमारा खुद का ये तो मेरे घर में ट्रंक वाले हैं व्यापारी तो अपना ना व्यापारी है खुद है ये खुद चीज का लेकर जान लग रहा अच्छा अच्छा हाँ चीज का लेकर जान लग रहा है ये माल ये थोड़ी कि यूपी का माल व्यापारी आवेगा व्यापारी पे भी कार्रवाई होनी चाहिए मिल वाले पे जो अपना दो नंबर का माल खरीदने लग रहे नहीं यू वापस भी नहीं जाने देंगे ये हम इसको कस्टडी में लेंगे और उसके ऊपर कार्रवाई करवाएंगे ये सर इसके ऊपर पुलिस की कार्रवाई नहीं बनती है कुछ बनती क्यों नहीं है, है? बनती क्यों नहीं है ये नाम ले रहा है उसका खरीदार का राइस मिलर वाले का भी नाम ले रहा है हाँ नाम लिया उसका राइस मिलर का अगर हम जिम्मेदार ना हो जो मर्जी का कागजात डाल जिम्मेदार हो तो फिर कड़ा का होता हम जिम्मेदार हो देखो जी दो काम हो रहे हैं एक तो किसान है वहाँ कहते हैं सारे भी कहते हैं जिम्मेदार हैं आप अपना वहाँ से सारे ट्रक भरो और वहाँ से जिम्मेदारी की आड़ में आपके व्यापारी कहाँ से हो जिम्मेदार बरेली बेचो पुराली कौन खरीदेगा जब बरेली वाले बेचेंगे तो अपने आप ही नाम लिया बिना सैलर वाले का नाम लिया कितने ट्रक बेचे थे ड्राइवर बता रहे ये बता रहे यार बताया चीका की राइस मिला है उसका नाम आ गया अरे ये तो पुराने खिलाड़ी है जी बता लग रहे हैं रेट की सब सर जी हमारे सब कागज पत्र देख लो अगर एक भी कागज पत्र रखे जी वही थे आप क्या कर रहे हो जो वहाँ का किसान है 1100-1200 रुपए में खरीद रहा है
आप ही खरीदते हो, आप ही व्यापारी बन रहे, किसान ही व्यापारी बन रहे हैं वहाँ। यही तो दिक्कत है, किसान खुद तो लेकर नहीं आता वहां से, ट्राली जोड़ ले अपनी, पता लग जाए किसान है। सर वो कैसे जोड़े, किसी के पास 5 बीघे है, किसी के पास 4 बीघे है, ये इकट्ठी करा उसने यार सस्ते रेट पे लेगा। हमने रात भी एक वीडियो देखी है, मैं खुद होके आया हूँ, मैं संगरूर गया था, खनौरी बॉर्डर के ऊपर कम से कम 200 ट्रक हैं जो अपना लोडिंग में खड़े हैं, उनका भी ऐसे ही है। ये भी इतना कौन सा किसान अपना जो है वो अमीर है कि वो अपने उसके खुद के गाड़ी घोड़े हैं। किसान तो सिर्फ 1000 रुपये में वहाँ, मैं खुद लखीमपुर हो गया हूँ पीछे, जब हमारे किसान भाइयों की डेथ हुई थी वहाँ मैं गया था, जहाँ वो कहते हैं जी हम तो 1100-1100 में यहाँ भेज देते हैं और यहीं से व्यापारी जो है वो लेके जाते हैं। किसान तो एक भी नहीं इनमें, किसान होता तो पहले अपना वो किसान यूनियन से संपर्क करता है, हम उसकी मदद करते। सर अभी कोई नहीं, ठीक है, थाने होना चाहिए बिल्कुल। साहब ये आप कह रहे हो इसका कोई अपना, जो आप अगर कार्रवाई कर सकते हो तब बताओ, अगर आप नहीं कर सकते हमारे को बताओ, हम इसको ट्रक को कब्जे में लेवेंगे अपने, और यूनियन अपना जो इसकी मालिक होगी, फिर ये ना को कह दियो कि मैं अपना व्यापारी है, व्यापारी आपके सामने इसने सेलर वाले का नाम लिया है, चीका वाले आप उनसे अगर कर सकते हो सरकारी तौर पे तो उसके ऊपर वो सेलर वाला जो है उसको भी अपना पता करवाओ। कुंडू ना भी ये सब पता है, पकड़ के कुंडू नहीं दिया, सब पता है। ऐसा छोटा क्या यू छोटा नहीं है, इनके ऊपर क्या करेंगे, एक छोटी सी कार्रवाई कर देंगे कि अपना ये जो हमने वो माल पकड़िया है जी, अपना किसान का माल है जी, और अपना मैं तो अभी एंटर होया नहीं, बस सीधी सी बात है छोड़ दें, 188 मैं इनका 100 रुपये जुर्माना होगा, और ले जा भाई अपने ना कहीं ना नहीं रहे ये, फिर क्या करेंगे यहाँ से छोड़ेंगे मिल में कहीं नहीं जाकर, फिर दोबारा रात सवेर कहीं भी फिर इन्हें बैठ देंगे। बताए पूरा क्या मामला है, पूरा मामला बताए। मामला ये है कि ये 3 दिन पहले, परसों की बात है, बताएं ये 3 दिन पहले सालवन अपना जो है पेट्रोल पंप के ऊपर एक ट्रक पकड़ा गया है जिसमें यूपी की जुड़ी थी, ये आदमी भी यूपी के हैं, व्यापारी आदमी है, और अभी इसी ने कबूल भी किया है कि मैं इसको एक चीका की जो राइस मिल है वहाँ लेके जा रहे थे, वहाँ इन्होंने ये बेचनी थी सीधी सेलर के बीच, तो वहाँ से व्यापारी जो हैं, देखो किसान कोई भी वहाँ से जो है जीरी नहीं लेके आ रहा, अगर किसान होता तो यूनियन से यहाँ से जो किसान संपर्क करता, ये व्यापारी क्या करते हैं वहाँ से 1000 रुपये में 1100 में अपना धान खरीद करते हैं, यहाँ ला के 1900-2000 रुपये जो भी MSP इनका बनता है वो अपना बेचने लगा। काला बाजारी ये, अब ये सारी काला बाजारी सरकार करवा रही है, और ये अपना इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, इनके अब छोटी सी कार्रवाई कर देंगे 188 के अपना पुलिस वाले चलान कर देंगे और अपना इसको ट्रक को छोड़ देंगे, ये फिर किसी ना किसी मंडी में रात देर रात कहीं फिर अपना चोरी छुपे फिर वहाँ ले जाके अपना बेचेंगे इसको। अभी क्या कार्रवाई होगी, कार्रवाई हमने इनको कह दिया है, प्रशासन के साथ बात करें, सेक्रेटरी साहब से बात की है, व्यापारी का नाम उजागर हो चुका है चिक्का का, वो ये अपना व्यापारी है, जब उसके ऊपर अपना जो है वो राइस मिलर है उसके ऊपर हम कार्रवाई करवाएंगे जो ऐसा माल खरीद रहा है, इसने कैमरे के सामने अपना कबूल किया है, तो किसान यूनियन अब इसकी पूरी कार्रवाई करेगी, इसको अपना जो है ट्रक है इसको भी हम अपनी कस्टडी में रखेंगे। बताओ जी क्या हुआ, किस तरीके से आप यहाँ आए, आप अपना भी पक्ष रख दो। हम तो अभी यहाँ तो घंटे पहले, हाँ कब आए थे, तो घंटे पहले ट्रक लेकर के कब आए थे, परसों आया था। आप कहाँ से आए और कहाँ जाओगे, यहाँ कैसे, हम आए थे क्या कहा, हम तो अभी यहाँ 2 घंटे पहले, ठीक। आप किसान हैं व्यापारी हैं, किसान हैं, तो किसानों से क्यों नहीं संपर्क किया आप लोगों ने, हमें पता ही नहीं थी इन पर चपंगा। अच्छा तो पहले हमेशा मतलब बेचते आए हैं इस तरीके से, पहले क्या कहा जो जैसे क्या कहा कंपनी चलवाई और अपने भारियों बेच गए तो वहाँ कम रेट में बिकती है, आप यूपी में तो कम रेट में बिकती है, कम रेट नहीं पैसे नहीं मिलते। अच्छा आप यहाँ बेचने के लिए आ गए तो चीका जा रहे थे, चीका कहते जाओगे तो सिस्टम बनता वहाँ पे वहीं भेज देते हैं। हाँ जी नेता जी बताओ, ये ऐसे करते हैं वहाँ से 1000-1100 में खरीदते हैं, वहाँ सेलर वाला लेगा सारे कागज हमारे देख लो 1600 रुपये में सेलर वाला लेगा और 1960 के पैसे आएंगे, सेलर वाले को भी 300-400 रुपये क्विंटल के हिसाब से बचत होगी और इनको भी 400-500 रुपये के हिसाब से बचत होगी। अब ये बताओ हरियाणा वाले किसान कहाँ जाएंगे, पंजाब वाले किसान कहाँ जाएंगे, वैसे तो कह रहे हैं भाई हरियाणा में जीरी नहीं आने देगी, सरकार कह रही है
क्या सरकार को पता नहीं इतने ट्रक आने लग रहे हैं? ये सरकार के मिली भगत है, इसमें सरकार भी पैसे खा रही है। सब मार्केट कमेटी ला लो, कुछ भी लगा लो, पुलिस वाले पकड़ते हैं, थोड़े पैसे लिए छोड़ देते हैं, कोई पुख्ता कार्रवाई नहीं करते हैं। अब जो ट्रक पकड़े है उस पर हम पूरी कार्रवाई करवाएंगे, ऐसे नहीं इसको छोड़ने देंगे।